दोस्तों आज करने वाला हूं मैं मेरे छत पर बने हुए टेरेस गार्डन से सब्जियों की हार्वेस्टिंग। और आज ढेर सारी जो सब्जियां हैं वो आज तोड़ने वाले हैं। आपको बताना है कि कौन सी सब्जी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और आपके गार्डन में अभी कौन सी सब्जी लगी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आने वाले जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता जाए। और टेरेस गार्डन में आप देख सकते हैं गर्मियों की ढेर सारी सब्जियां लगी हुई हैं, इन्हीं को मैं हार्वेस्ट करता हूं। तो लगभग हफ्ते में एक दिन हार्वेस्टिंग होती है और यहां से मुझे ढेर सारी जो है ऑर्गेनिक सब्जियां तोड़ने को मिलती हैं। तो चलिए आज की हार्वेस्टिंग को शुरू करते हैं और तोड़ते हैं छत पर उगाई गई ऑर्गेनिक सब्जियाँ। तो दोस्तों शुरुआत हम कर रहे हैं आज के हार्वेस्टिंग की इस मस्क मेलन से। और हर बार क्या होता है, ये जब हार्वेस्टिंग हम करते हैं तब ये नहीं पकता, तो आज लेकिन ये पक चुका है आज की हार्वेस्टिंग में। और देखिए इस तरह से ये इसका जो जहाँ से ये लगा हुआ था स्टेम बेल में वो टूट गई है। तो ये है खरबूजा और यहाँ से हम पहले 3-4 खरबूजे ऑलरेडी तोड़ चुके हैं और अभी भी आप देख सकते हैं इस तरह से, देखिए ये खरबूजा बन रहा है। तो ये मस्कमेलन आपको कैसा लगा जरूर बताएं, इसे रख देते हैं सब्जियों के साथ। ये है हमारी गोल लौकी आप देख सकते हैं और अब ये काफी बड़ी हो गई है, तो आज मैं इसे यहाँ से काट लेता हूँ और यहाँ से इसे निकाल लेते हैं। ट्रिपल नेट में इसकी बेल को फैलाया हुआ है मैंने, ये देखिए आप। तो ये एक गोल लौकी मिली है और दूसरी लौकियाँ भी हैं, उन्हें तोड़ लेते हैं, इसे रख लेते हैं सब्जियों के साथ। दोस्तों ये लगी है एक हमारी लंबी वाली लौकी, ये थोड़ी पतली है और ये जो है अभी इसकी जो बेल थी वो एसी के सामने आ गई थी तो मैंने इसको यहाँ पर कर दिया है। तो अभी हमने इसको हार्वेस्ट कर लिया है, तो एक ये मिल गई है हमें पतली वाली लौकी, इसे भी रख देते हैं सब्जियों के साथ। ये है दोस्तों हमारा कद्दू और इसे हम आज हार्वेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसका साइज काफ़ी हमें बड़ा मिला हुआ है, ये देखिए। और एक ही कद्दू से हमें हर बार कद्दू तोड़ने को मिल जाते हैं, तो आज यहाँ से एक कद्दू मिल गया है और भी कद्दू यहाँ पर लग रहे हैं। नीचे आप देख सकते हैं एक कद्दू यहाँ पर है, तो यहाँ पे लग रहा है और ऊपर भी कुछ कद्दू हो रहे हैं। तो ये कद्दू आपको कैसा लगा जरूर बताएं, इसे रख देते हैं सब्जियों के साथ। ये है हमारी बरबटी और आप देखिए अब बरबटी का साइज कितना बड़ा हुआ है। हर बार हमें अब यहाँ से काफ़ी अच्छी मात्रा में जो है बरबटी तोड़ने को मिल जाती हैं और गर्मियों में बड़े आसानी से हो जाती है बरबटी, आप लगा सकते हैं, अभी भी समय है आप अभी भी लगा सकते हैं। ये देखिए कितनी सारी मैंने तोड़ ली और इस तरह से जो छोटी बरबटी है उसे आप छोड़ दीजिए और जो इतनी बड़ी हो गई है देखिए सबसे अच्छा साइज है, जो इतनी बड़ी हो जाती हैं तो आप इनकी ये जो फली हैं इन्हें आप हार्वेस्ट कर लीजिए। देखिए अभी अंदर हैं तो मैं इस तरफ से इन्हें तोड़ लेता हूँ। ये देखिए इस तरह से ये तीन तीन चार चार ये बंच में ही लगती हैं इस तरह से। और नीचे आप देख रहे हैं तो ये सेम फली हमने लगा दी है बारहमासी, यहाँ पे आप देख सकते हैं अब इसके जो पौधे हैं वो उगना शुरू हो गए हैं, तो इन्हें भी आप लगा सकते हैं। बारिश ये लगभग 2 से 3 महीने में ये भी तैयार हो जाएंगी, फिर यहाँ से हमें सेम फली भी मिलेंगी। अब देखिए मैं दूसरी तरफ आ गया हूँ और यहाँ पर भी ढेर सारी बरबटी लगी हुई हैं और फूल भी इसका काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, इस तरह से होता है ये देखिए। और ये जो बरबटी हैं केवल आप देखिए 1 2 3 4 ग्रो बैग में इनके पौधे लगे हैं और 4 ग्रो बैग से हमें कितनी सारी बरबटी मिल रही हैं। बाकी ये 2 बरबटी सूख गई हैं, क्यों सूख गई हैं मुझे नहीं मालूम। ये देखिए तो अभी देखिए कितनी सारी ये बरबटी हमें मिल गई हैं। और भी कुछ बरबटी हैं 2-4, उन्हें और तोड़ लेते हैं। तो दोस्तों देखिए इतनी जो है हमें बरबटी मिल गई हैं, काफी सारी मिली हैं, आपको ये कैसी लगी जरूर बताएं, इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ।
ये है हमारी लाल भिंडी, और लाल भिंडी के साथ हरी भिंडी भी लगी है, तो दोनों आज हम हार्वेस्ट करेंगे। और लाल भिंडी आप देखिए कितनी बड़ी होती है। अगर आपको लाल भिंडी खाना पसंद है तो आप इनको अभी भी लगा सकते हैं, भिंडी लगाने का अभी भी समय चल रहा है। ये गर्मियों में भी होती है और आप इसे रेनी सीजन मतलब बारिश के मौसम में भी उगा सकते हैं। सर्दियों को छोड़कर भिंडी आराम से होम गार्डन में हो जाती है। सर्दियों के मौसम में बस आपको इसे नहीं लगाना है, और इसको ज़्यादा शेड की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके एरिया में टेम्परेचर 30-35 डिग्री सेल्सियस होता है तो फिर बड़े आसानी से आप ओपन टेरेस पर ही भिंडी को उगा सकते हैं। धूप में इसके पौधे और अच्छे से बढ़ते हैं। अभी आप देखेंगे तो ये जो भिंडी हम यहाँ से हार्वेस्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर मैंने किसी भी तरह का शेड नहीं लगाया हुआ है, और अभी यहाँ पूरा खाली है। यहाँ देख सकते हैं आप, ऊपर फ्रेम तो है लेकिन अभी हमने शेड को नहीं लगाया है। और अलग अलग बैच लगाइए, लगभग 2 से 2.5 महीने तक आपको हार्वेस्टिंग मिलती है इसकी। ये है हमारी देखिए दूसरे ग्रो बैग की लाल भिंडी। देखिए 2 भिंडी यहाँ से मिल गई हैं। अब देखिए ये तीसरा ग्रो बैग हमारा सबसे पहला वाला है, सबसे पहले हमने यही भिंडी लगाई थी, और अभी इसके पौधे थोड़े से कमज़ोर हो गए हैं लेकिन भिंडी मिलना अभी चालू है, तो अभी भिंडी इसी हार्वेस्ट करते जा रहे हैं। तो ये देखिए इतनी भिंडी हमें मिल गई है, इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। ये है हमारा पिंक जो है बैगन, ये है थोड़ा सा लंबा होता है, ज़्यादा लंबा नहीं होगा लेकिन ये थोड़ा लंबा होगा, तो एक यहाँ से ये बैगन मिल गया। दूसरा ये लगा हुआ है हमारा सेम पिंक बैगन, और इसमें बैगन बहुत ज़्यादा लगते हैं आप देखेंगे तो। इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 बैगन अभी मुझे दिख रहे हैं जो छोटे छोटे लगे हुए हैं। इसके साथ ही अब यहाँ पर आप देख लीजिए, तो देखिए इस बैगन में भी इस तरह से ये देखिए बैगन लग गए हैं, और अब ये बड़े भी हो गए हैं। तो देखिए पिंक बैगन तो ये हैं, अब यहाँ से जो काले बैगन हैं ये देखिए ये लगा हुआ है। ये तोड़ लिया हमने, और एक ग्रो बैग ये है अभी, इसमें भी देख सकते हैं आप ढेर सारे बैगन यहाँ छोटे छोटे लग रहे हैं। एक पीछे थोड़ा सा बड़ा है, और आ जाते हैं यहाँ पर तो एक ये ग्रो बैग है, इसमें आप देखिए इस तरह से 2 बैगन दिख रहे हैं मुझे, और ये भी अभी छोटे हैं, बाकी तोड़ सकते हैं इन्हें। तो आज मैं यहाँ से भी इन्हें ये देखिए एक बैगन ये मिल गया। इसके बाद हमारे जो धारी वाले बैगन हैं वो यहाँ पर हैं, तो ये भी अभी काफ़ी छोटे हैं, तो देखते हैं जब ये बड़े हो जाएंगे तो इन्हें भी यहाँ से हार्वेस्ट करेंगे। और धारी वाले बैगन वहाँ हैं, यहाँ से कुछ पिंक बैगन देख लेते हैं, और इनमें तो काफ़ी कीड़े भी लग रहे हैं, देखते हैं कितने अच्छे मिलते हैं। हम यहाँ से तोड़ लेंगे, एक ग्रो बैग यहाँ पर है, इसमें भी आप देख सकते हैं बैगन खराब हो रहे हैं ये वाले, शायद इल्ली या कुछ तो लगा है इनमें। ये देखिए इतने अभी यहाँ से बैगन हो गए, और कुछ धारीदार बैगन यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो कुछ छोटे यहाँ पर लगे हुए हैं, तो इन्हें हम अगले बार हार्वेस्ट कर लेंगे। तो इतने बैगन हमें मिल गए हैं, आपको कैसे लगे ज़रूर बताएं। लाल पिंक बैगन किस किस को पसंद आए ये छोटे लंबे वाले, उसके बारे में भी कमेंट्स करें। ये हमारा सीडलेस ब्रिंजल आप देखिए, इनको भी काट लेते हैं, ये हमने काट लिया है, और अभी फिलहाल एक यहाँ पर है ये देखिए। तो इतने बैगन मिल गए हैं, चलिए इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। दोस्तों ये है खीरा जो पिछले बार के हार्वेस्टिंग में बहुत ही छोटी थी, तो अब वो इतनी ही बड़ी होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, इसलिए हमने इसे तोड़ लिया है। और एक ये भी आप देख सकते हैं, ये भी नहीं होगी बड़ी, इसे हमने यहाँ से तोड़ लिया है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं तो देखिए एक तो गिलकी यहाँ पर है, और दूसरी गिलकी ये दिख रही है मुझे,
तो इसे भी तोड़ लेते हैं ऊपर। ये देखिए ये आ गई मेरे हाथ में। तो एक गिलकी ये है और ये थोड़ी छोटी है, लेकिन इसे भी हम तोड़ लेते हैं। ये देखिए दूसरी गिलकी हमने यहाँ से तोड़ी और बाकी गिलकी एक वहाँ भी लगी है, देखते हैं अभी उसको वहाँ से तोड़ लेंगे। ये हैं दोस्तों हमारे करेले, और अब ये जो करेले हैं वो कुछ हमें इतने साइज के मिल रहे हैं, तो आप इतने साइज के ही इन्हें तोड़ लीजिए क्योंकि गर्मियाँ तेज़ हैं। तो अब जो है ये बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ये देख सकते हैं, और छोटे और बड़े करेले मिक्स लगे हुए हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं तो ये छोटे करेले हैं यहाँ पर, और एक ये यहाँ लगा हुआ है, ये देखिए। और पीछे एक गिलकी मुझे दिख रही है, अब उसको कैसे तोड़ा जाए, काफ़ी बड़ी गिलकी है। और देखिए ये देखिए, और अब शायद ये खाने लायक है कि नहीं वो बाद में पता चलेगा, कैंची से ही काटना पड़ेगा इसे, तो मैं कैंची से इसे काट लेता हूँ। तो इसको हमने इस तरह से कट कर दिया। ये देखिए कुछ इतनी बड़ी ये गिलकी है, अब देखते हैं ये खाने लायक है कि नहीं। बाकी अभी सॉफ्ट तो दिख रही है। अब देखिए मैं इस तरफ आ गया हूँ, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप इस तरह से लगे हुए हैं करेले। और अब जो ये क्रीपर है हमारी, जो बेल है, अब ये ऊपर आ गई है और अब इसके ऊपर भी फैलने लगी है, आप देख सकते हैं। ये वाला करेला अभी थोड़ा सा छोटा है, लेकिन तोड़ लेते हैं। पीछे करेला दिखा मुझे, काफ़ी बड़ा है वो। एक ये है, ये देख सकते हैं आप, इसके पीछे एक गोल है, पीछे एक और लगा है, ये देखिए। तो अभी फिलहाल में मुझे यहाँ आप देखिए इतने करेले मिल गए हैं, और कुछ और करेले हैं उन्हें और तोड़कर रखते हैं एक साथ। तो देखिए इतने मिल गए हैं हमें करेले, और इन करेलों को रख देते हैं हम यहाँ पर। ये जो आप देख रहे हैं ये है अंजीर, और इस तरह से ये पक जाती है। जब ये पक जाए तो आप इसे इस तरह से तोड़ लीजिए। तो एक यहाँ पर है, तो हमने यहाँ से तोड़ लिया, और इसको यहीं से बीच में से आप दबाएंगे तो ये फट जाएगी, और अंदर से इसे खाया जाता है। कल एक कमेंट्स आ रहा था कि अंजीर को कैसे खाते हैं। अब दो अंजीर यहाँ पर, तो यहाँ पर ये है और दूसरी यहाँ पर ये है। तो देख लीजिए ये दो अंजीर और हमें मिल गई हैं, और देखिए कितनी सारी अंजीर इसमें लगती हैं। और इस अंजीर की जो है मैंने कटिंग की थी, इस तरह से प्रूनिंग की थी, उसके बाद जो न्यू ग्रोथ है उसमें ढेर सारी अंजीर आई हैं, और इसकी कटिंग यहाँ पर लगा दी थी मैंने। तो ये देखिए इनमें भी अंजीर लगने लगी है, बाकी अब कटिंग सूख रही है क्योंकि इसे मैंने ट्रांसफ़र नहीं किया है, इसे ट्रांसफ़र कर दूंगा अब मैं। और ये तीन अंजीर हमें मिल गई हैं, इन्हें रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ। ये हैं हमारे टमाटर, और अब इन पौधों को हम हटाने जा रहे हैं। तो आज जितने भी टमाटर लगे हैं ये लाल और हरे सब तोड़ने वाले हैं, क्योंकि अब आप देख सकते हैं पौधे बिल्कुल जल गए हैं। ये देखिए इस तरह से हो जाते हैं पौधे गर्मी में। ज़्यादा टमाटर लगे भी नहीं हैं, ये देखिए। ये नया जो टमाटर का पौधा था उसमें लगे हुए फल हैं, तो इसमें से देखिए ये टमाटर तोड़े हैं, अभी इसमें और टमाटर लग रहे हैं। इस तरफ भी देख लीजिए ये भी टमाटर लग रहे हैं, पौधे ये भी थोड़े कमज़ोर हैं लेकिन टमाटर लग रहे हैं। एक ये तोड़ लेते हैं, और यहाँ पर कुछ ये टमाटर के पौधे हैं जहाँ पर टमाटर लगे हुए हैं, तो यहाँ से भी हम टमाटर तोड़ लेते हैं। और यहाँ के कुछ पौधे फिर से इनमें न्यू ग्रोथ हो गई है, जो अभी काफ़ी अच्छे हैं, जैसे आप सामने देख रहे हैं। ये देखिए कितना अच्छा टमाटर का पौधा फिर से ग्रोथ इसने ले ली है, और इतने टमाटर हमें मिल गए हैं। इसमें से कुछ तो ख़राब हैं, रख देते हैं सब्जियों के साथ।
ये है चेरी टमाटर, आप देख सकते हैं। और अब इसका ये बंच जो है पूरा रेड हो गया है। तो ये दो तीन जो अभी आपको दिख रहे हैं नए बंच, इन्हें हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमने तोड़ लिए। ये है हमारी हरी भाजी, चौलाई की भाजी जिसे बोलते हैं। और अब इनके पौधे इतने बड़े हो गए हैं कि हम इन्हें हार्वेस्ट कर लें। और ये छोटे पत्ते वाली चौलाई है, आप देख सकते हैं। और इस तरह से चौलाई की भाजी खाना किस किस को पसंद है ज़रूर बताएं। इसके साथ ही हमने लाल भाजी भी लगा रखी है, उसे भी हम अभी हार्वेस्ट करने वाले हैं। दोनों तरह की जो भाजियां हैं ये गर्मी में बड़े आसानी से हो जाती हैं, आप इन्हें पूरी गर्मी उगा सकते हैं। और तो गर्मी में ही ये सबसे अच्छे से होती है। ये देखिए आपको इतनी हमें मिल गई है ये चौलाई की भाजी, इसे रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ। ये है हमारी लाल भाजी जो आप सामने देख रहे हैं, इसमें भी आप देखिए इसके कितने अच्छे पत्ते हो गए हैं। तो इस तरह से ऊपर से जो बड़े बड़े पौधे हैं उनकी स्टेम को कट कर लेंगे तो नीचे के फिर से जो छोटे पौधे हैं वो बड़े होने लगेंगे। आप तो इतनी मिल गई है हमें लाल भाजी, इसे भी रख देते हैं सब्जियों के साथ। ये है हमारी गर्मी की धनिया और आप देखिए ये बिल्कुल अच्छी हो गई है और पत्तियां काफी अच्छी हैं, खुशबू भी बहुत तेज है। और आज हम इस तरह से इन पत्तियों को काट लेते हैं। थोड़ी सी ज्यादा घनी हो गई है, पौधे मतलब पास पास हो गए हैं, बाकी धनिया बहुत अच्छी है। और ओपन मतलब टेरेस पर मैंने उगाई है, ऊपर किसी भी तरह का शेड नहीं लगाया है। हल्का शेड में आप रखेंगे तब भी ये हो जाएगी। और इस तरह से रो बनाकर मैंने इसे लगाया था जो आप सामने देख रहे हैं। तो ये देखिए ये हरी हरी धनिया हमारी। और आपको कैसी लगी ये हरी धनिया जरूर बताएं, इसे रख देते हैं सब्जियों के साथ। ये हमने अरबी लगाई थी तो अब आप देख रहे हैं इनके पत्ते जो है अब हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो गए हैं। तो अरबी जब आप लगाएंगे उसके 2 से 3 महीने बाद ही, आपको लगभग अभी 2 महीने भी नहीं हुए होंगे और हमें इनके जो पत्ते हैं वो हार्वेस्ट करने मिलने लगे हैं। तो एक जो पौधा है उससे एक ही पत्ता हार्वेस्ट करेंगे हम। और ये 56 कद्दू लगा है यहाँ पर, तो देखिए इतने हमें पत्ते मिल गए हैं। ज़्यादा हम हार्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो इतने 4-5 पत्ते हमने तोड़ लिए हैं। और ये बड़ा ग्रो बैग है, 24x12 इंच के ग्रो बैग में ये लगे हुए हैं। ये हैं हमारे नींबू और अब आप देखिए इस तरह से ये होता है, थोड़ा छोटा ही होता है। और ये 12 महीने लगने वाला नींबू है तो इसे इस तरह से हम तोड़ सकते हैं। और पीछे एक और है, यहाँ से तोड़ेंगे इसको। अब आप देखिए यहाँ पर ये लगा हुआ है नींबू। और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे अब इसको नहीं तोड़ेंगे तो ये देखिए पीला होने लगा, इस तरह से ये पीला हो जाता है। और ये एक देखिए बिल्कुल हमारे घर की बाउंड्री वॉल पर ही लगा हुआ है। और ये भी हो गया है तोड़ने के लिए रेडी। और ये नींबू का जो पेड़ है वो 18x18 इंच के ग्रो बैग में लगा हुआ है, नीचे आप देख सकते हैं। और ये देखिए नींबू इस तरह से मिलते हैं मुझे। अभी देखिए ये 6 नींबू हमने तोड़ लिए हैं, इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। ये देखिए दोस्तों चंपा के ग्रो बैग में लगा हुआ है पुदीना और आज यहाँ से हम इस पुदीना को हार्वेस्ट कर रहे हैं। आप इसे जितना हार्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा ये होगा। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी और गर्मियों में तो ये बहुत ही अच्छा ग्रो भी होता है। और गर्मियों में आप इसे इस तरह से काट कर खा भी सकते हैं चटनी बनाने में। आजकल तो पुदीना की चाय भी लोग पीने लगे हैं और
बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। आप बताएं आप पुदीने का इस्तेमाल किस चीज़ में करते हैं और ये पुदीना आपको कैसा लगा। देखिए यहाँ पे ढेर सारे ग्रो बैग में पुदीना लगा हुआ है अलग अलग और काफ़ी अच्छा ही हो रहा है। और इस तरफ मैं आपको दिखा दूँ तो ये है हमारा वाटरमेलन और देखिए वाटरमेलन अभी पूरा पक नहीं पाया, ये थोड़ा सेप अलग है, एक और ये यहाँ पर हो रहा है। तो ये देखते हैं कब मिलता है हमें हार्वेस्ट करने। और आज की हार्वेस्टिंग की जो आखिरी चीज़ थी वो पुदीना हमने हार्वेस्ट कर लिया है। चलिए इसे रख देते हैं सब्जियों के साथ और देखते हैं आज हमें क्या क्या मिला। तो देखिए ये सारी सब्जियां हमें मिल गई हैं हमारे छत पर बने हुए टेरेस गार्डन से तोड़ने के लिए। तो सबसे पहले हमें देखिए यहाँ पर मिली है इतनी सारी बरबटी, कुछ हमने अरबी के पत्ते काटे हुए हैं, यहाँ पे ये मिक्स टमाटर, मिक्स ये भिंडी लाल वाली और हरी वाली, इसके बाद ये बैगन, ये भी हमें मिक्स मिले हैं। सबसे अच्छे मुझे इस तरह से ये पिंक बैगन लगे जो कि थोड़े लंबे हैं, आपको बताएं कौन से बैगन पसंद आए। इसके बाद एक करेले इतने सारे जिसमें छोटे करेले और लंबे वाले करेले हैं। एक ये मिला है हमें खरबूज मस्क मेलन, बहुत ही अच्छा है। एक हमने तोड़ी है ये बड़ी गोल वाली लौकी धारीदार, एक छोटी ये लंबी वाली लौकी, कुछ हमने यहाँ पे नींबू तोड़े हुए हैं 6, 3 अंजीर हमें मिली हैं, एक हमें मिला है बहुत अच्छा ये देखिए कद्दू, बहुत अच्छा कद्दू है। इतनी हमें धनिया मिली है, धनिया के साइड में आप देख रहे हैं तो 2 गिलकी और ये बड़ी वाली गिलकी, 2 खीरा मिले हैं छोटे छोटे। इसके बाद ये हमारी चौलई की भाजी और इतनी हमें मिली है लाल भाजी, साथ में इतना हमने पुदीना जो है काटा हुआ है। तो ये सारी सब्जियाँ कैसी लगी आपको ज़रूर बताएं, अगर मैं मार्केट से नहीं खरीदता तो कितने की मिलती हैं। और अगर आप भी इस तरह से अपने होम गार्डन में ग्रो बैग में सब्जियां उगाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको मिलेंगी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन किचन गार्डनिंग होम गार्डनिंग को लेकर, जिसकी मदद से आप भी अपना टेरेस गार्डन बना सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।